श्रीफल न्यूज परिवार की प्रस्तुति श्रीफल न्यूज। नदी के पानी के समान स्वतंत्र बनो, आचार्य पुष्पदन सागर जी महाराज। छोटे दिल वालों के पास प्रेम स्नेह नहीं होता, वे कुएं के मेंढक के समान होते हैं। कुएं का पानी कितना भी मीठा हो, लेकिन वो दीवारों से बंधा हुआ होता है। जब पानी बंध जाता है तो उसमें काई जमा होने लगती है, कीड़े पैदा होने लगते हैं। ये बात आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज ने विल्सन गार्डन मंदिर में धर्म सभा में कही। आचार्य श्री ने कहा कि मनुष्य यदि कुएं की भांति परंपराओं से बंधा हुआ है तो उसका विकास संभव नहीं है। जीवन नदी के पानी के समान स्वतंत्र होना चाहिए। नदी अपना मार्ग स्वयं बनाती हुई चलती है, धरती को हरा भरा करती हुई चलती है, धरती की प्यास बुझाती हुई चलती है। आचार्य श्री ने प्रवचन में कहा कि धरती का सौंदर्य बहती नदी के कारण कायम रहता है। आदमी का मन जितना छोटा होगा वो उतना ही कंजूस और पन्नेवादी होगा। रामकृष्ण महावीर का हृदय बहुत विशाल था, इसीलिए उन्होंने सबका उद्धार किया। राम की मर्यादा, कृष्ण की मधुरता और महावीर की करुणा ही हमारी संस्कृति की शोभा है। धर्म सभा को मुनि श्री प्रमुख सागर जी महाराज और मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज ने भी संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रीफल न्यूज़।